everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see the solution of chapter number 15, fun with clay. So let's begin with question number 1. Choose the correct alternative from those given below each question and write its index letter alphabet in the box provided against each question. So let's start with number 1. Number 1 is, what did Kothimbo tell the crow to do before eating? ठीक है, जो कोथिम्बो होता है वो क्रो को क्या कहता है खाने से पहले क्या करने के लिए कहता है. सो ऑप्शंस हैं, ए वॉश हिज डर्टी हैंड्स, वो अपने हाथ उसको क्रो को बोलता है अपने डर्टी हैंड्स को धो लो. बी वॉश हिज डर्टी फीट, वो उसके डर्टी फीट को वॉश करने के लिए कहता है. या फिर सी वॉश हिज डर्टी बीक, अपनी उसकी डर्टी बीक जो होती है यानी कि उसकी डर्टी चोंच को वॉश करने के लिए बोलता है. या फिर दी हैव अ बाथ, या फिर नहाने के लिए बोलता है. सो आंसर इज सी वॉश हिज डर्टी बीक, यानी कि कोथिम्बू क्रो को बोलता है कि जाओ खाने से पहले अपनी जो डर्टी बीक है उसको वॉश करो. नंबर 2, वेयर डिड द क्रो गो फॉर वाटर, जो क्रो है वो वाटर के लेने के लिए कहाँ जाता है. सो ऑप्शंस हैं, ए टू द वेल, वो कुएं पे जाता है वेल पे जाता है. बी टू द लेक, लेक पे जाता है. सी टू हिज हाउस, वो अपने घर जाता है. या फिर डी टू द वाटर ट्रॉट, या फिर वो वाटर ट्रॉट पे जाता है. सो आंसर इज ए टू द वेल, वो कहाँ जाता है, वो वेल के पास जाता है यानी कि कुएं के पास जाता है. नेक्स्ट नंबर 3, वॉट डिड द पॉटर टेल द क्रो टू ब्रिंग टू मेक द पॉट, और जो पॉटर है ठीक है, पॉटर यानी कि जो पॉट्स बनाता है ठीक है. सो पॉटर क्रो को क्या कहता है कि क्या लेके आओ तो मैं तुम्हें पॉट बना के दूंगा. तो ऑप्शंस हैं, ए अ स्पेड, वो क्रो को कहता है एक स्पेड लेके आओ. बी क्ले, क्ले यानी कि सॉइल. सी वाटर, या फिर डी पॉटर्स व्हील. ठीक है, पॉटर्स व्हील यानी कि वो व्हील जिसपे जो पॉटर होते हैं वो अब पॉट्स बनाते हैं ठीक है, जो गोल गोल घूमता है और उसके ऊपर जो पॉटर्स पॉट्स बनाते हैं. ओके, सो पॉटर जो होता है वो क्या कहता है क्रो को लाने के लिए, वो कहता है बी क्ले लेके आओ. ठीक है, आंसर इज बी सॉइल. ठीक है, क्ले सॉइल यानी कि वो मिट्टी मंगवाता है. नंबर 4, व्हाट डिड द क्रो डू टू टेक फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ. ओके, जो क्रो है वो ब्लैक स्मिथ के पास क्या लेने के लिए जाता है. सो ऑप्शंस ए क्रोबा, बी वाटर, सी क्ले या फिर सॉइल, डी अ सिकल. ठीक है, तो जो क्रो है वो ब्लैक स्मिथ के पास क्या लेने के लिए जाता है. आंसर इज डी अ सिकल, वो ब्लैक स्मिथ के पास सिकल लेने के लिए जाता है. नाउ नंबर 5, व्हाट डिड द टिम्बा हीप ऑफ सॉइल गिव टू द क्रो, जो टिम्बा होती है वो क्रो को क्या देती है. सो ऑप्शंस हैं, ए वाटर, बी क्ले, सी स्पेड, डी ग्रास. ठीक है, टिम्बा यानी कि हीप ऑफ सॉइल. ठीक है, तो हीप ऑफ सॉइल क्रो को क्या देती है. ठीक है, सिंस वो सॉइल है खुद तो वो क्रो को क्या देगी, सॉइल देगी यानी कि क्ले देगी. सो आंसर इज बी क्ले. नंबर 6, व्हाट इज फिल्ड इन अ क्ले सॉइल पॉट इन योर हाउस, आपके घर में क्ले पॉट यानी कि मिट्टी के पॉट में क्या रखते हैं. सो ऑप्शंस आर ए ग्रेन्स, बी वाटर, सी फूड, डी क्लोथ्स. ठीक है, तो मिट्टी के पॉट में यानी कि क्ले के पॉट में, या फिर हम उसे अर्दन पॉट भी बोलते हैं, उसमें हम क्या रखते हैं, हम उसमें वाटर रखते हैं अपने घर के अंदर. ओके, सो आंसर इज बी वाटर. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड. नंबर 1, द हीप ऑफ सॉइल टिम्बा आस्क्ड फॉर अ डैश टू बी बॉट टू टेक सॉइल. ठीक है, जो हीप ऑफ सॉइल है यानी कि टिम्बा, वो क्या बोलती है लाने के लिए कि हम सॉइल को डिग कर सकें. ठीक है, सॉइल को डिग करके निकाल सकें. ठीक है, तो वो क्या लाने के लिए कहती है, हॉर्न ऑफ डियर. ओके, देन नंबर 2, द क्रो सॉ अ डैश इन द जंगल, क्रो ने जंगल में किसे देखा, क्रो ने जंगल में कोथिम्बू को देखा. सो आंसर इज कोथिम्बू. नंबर 3, द कोथिम्बू आस्क्ड द क्रो टू वॉश इट्स डैश, कोथिम्बू ने क्रो को क्या वॉश करने के लिए कहा, तो कोथिम्बू ने क्रो को उसकी बीक वॉश करने के लिए कहा. सो आंसर इज बीक. देन नंबर 4, द क्रो वेंट टू द डैश टू गेट अ सिकल, क्रो कहाँ जाता है सिकल लेने के लिए, क्रो किसके पास जाता है. सो आंसर इज ब्लैक स्मिथ. ठीक है, तो क्रो सिकल लेने के लिए ब्लैक स्मिथ के पास जाता है. देन नंबर 5, द क्रो रीप्ड डैश विद अ सिकल एंड फेड द काउ. ठीक है, क्रो
क्या निकालता है सिकल से और काउ को खिलाता है, तो वो ग्रास निकालता है, ठीक है, यानी सिकल को यूज करके क्रो ग्रास निकालता है और क्रो को सॉरी काउ को खिला देता है. देन वी हैव नंबर 6, द वेल आस्क्ड द क्रो फॉर अ डैश टू फिल वाटर. वेल वेल मीन्स कुआं. कुआं क्रो को क्या बोलता है लाने के लिए, वेल क्रो को बोलता है कि जाओ जाके पॉट लेके आओ टू फिल द वाटर. नेक्स्ट नंबर 7, द क्रो वेंट टू द काउ टू गेट डैश. क्रो काउ के पास क्या लेने के लिए जाता है, क्रो काउ के पास मिल्क लेने के लिए जाता है. सो आंसर इज मिल्क. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, पुट अ टिक मार्क इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू एंड अ क्रॉस इन फ्रंट ऑफ दोज दैट आर फॉल्स. सो नंबर 1, द क्रो सॉ द कोथिंबू. क्रो ने कोथिंबू को देखा जंगल में. आंसर इज ट्रू. नंबर 2, द क्रो एट द कोथिंबू विथ हिज डर्टी बीक. क्रो ने कोथिंबू को अपनी डर्टी बीक से खा लिया. आंसर इज फॉल्स. नो, वो तो पानी ढूंढता है अपनी डर्टी बीक को वॉश करने के लिए. ओके, सो आंसर इज फॉल्स. देन नंबर 3, द वेल टोल्ड द क्रो टू ब्रिंग अ बकेट ऑफ वाटर. जो वेल होता है, कुआं होता है, वो क्रो को एक बकेट लाने के लिए बकेट लाने के लिए बोलता है. सो आंसर इज फॉल्स. वो क्या लाने के लिए बोलता है, पॉट लाने के लिए बोलता है, ठीक है. नंबर 4, द क्रो टुक सॉइल फ्रॉम द टिम्बा एंड वेंट टू द पॉटर. ठीक है, क्रो क्या करता है, टिम्बा से सॉइल लेता है और पॉटर के पास जाता है. आंसर इज ट्रू. ठीक है, जो टिम्बा होता है वो क्रो को सॉइल देता है फ्रॉम द हीप ऑफ सॉइल, एंड वो सॉइल लेके जो क्रो है वो पॉटर के पास जाता है ताकि वो इसको पॉट बना के दे. आंसर इज ट्रू. नंबर 5, द पॉटर मेक्स पॉट एंड मेनी अदर थिंग्स फ्रॉम क्ले और सॉइल. आंसर इज ट्रू. जो पॉटर होता है वो क्ले से बहुत सारी चीज़ें बनाता है, पॉट बनाता है, ठीक है, दियाज बनाता है, देन कप्स बनाता है और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाता है. नंबर 6, द ब्लैक स्मिथ गेव अ सिकल टू द क्रो इन एक्सचेंज फॉर मनी. जो ब्लैक स्मिथ होता है वो क्रो को सिकल देता है और क्रो उसे पैसे देता है एक्सचेंज में. आंसर इज फॉल्स. देन क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम्स अप्रोप्रिएटली. नंबर 1, वेल. आंसर इज डी, वाटर. ठीक है, वेल से क्या रिलेटेड है, वाटर रिलेटेड है. ठीक है, कुएं में क्या होता है, पानी. सो वेल का आंसर है डी, वाटर. देन नंबर 2, ब्लैक स्मिथ. ब्लैक स्मिथ के पास क्या लेने जाता है क्रो. आंसर इज ई, सिकल. वो सिकल लेने जाता है. नंबर 3, पॉटर. पॉट क्या बना के देता है क्रो को. आंसर इज ए, पॉट. नंबर 4, टिम्बा. टिम्बा क्या होता है, बी क्ले सॉइल. इट इज़ अ हीप ऑफ सॉइल. ठीक है, सो आंसर इज क्ले और सॉइल. देन नंबर 2, इन द मैच द फॉलोइंग. नंबर 2, नंबर 1, ब्लैक स्मिथ. ठीक है, ब्लैक स्मिथ्स क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, वो जो टूल यूज़ करते हैं. सो आंसर इज डी, एनविल. एनविल इज़ अ वन ऑफ देम. नंबर 2, कारपेंटर. कारपेंटर्स क्या यूज़ करते हैं. आंसर इज ए, कारपेंटर्स प्लेन. नंबर 3, पॉटर. पॉटर क्या यूज़ करते हैं. आंसर इज ई, पॉटर्स व्हील. पॉटर पॉटर्स व्हील यूज़ करते हैं. देन वी हैव नंबर 4, मैसून. मैसून क्या यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं डी, मैसून्स ट्रॉवेल. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू सेंटेंसेस. वन और टू सेंटेंसेस में हमें आंसर करना है. सो नंबर 1, वॉट डिड द क्रो वॉन्ट टू ईट. क्रो क्या खाना चाहता था. आंसर इज द क्रो वॉन्टेड टू ईट द कोथिंबू. क्रो कोथिंबू को खाना चाहता था. नंबर 2, वॉट डिड द वेल से वेन द क्रो आस्क्ड फॉर वाटर. जब क्रो ने वेल से पानी मांगा तो वेल ने क्रो को क्या कहा. सो आंसर इज, वेन द क्रो आस्क्ड फॉर सम वाटर टू वॉश हिज बीक, द वेल सेड, इफ यू वॉन्ट वाटर गेट अ पॉट फ्रॉम द फ्रॉम अ पॉटर एंड फिल इट विद वाटर. जब क्रो वेल के पास जाता है और कहता है कि गिव मी सम वाटर, ठीक है, यानी कि वो कहता है कि मुझे थोड़ा पानी चाहिए, ठीक है, अपनी बीक को वॉश करने के लिए, तो वेल जो है वो क्रो को क्या कहता है कि जाओ जाके पहले पॉटर के पास से पॉट लेके आओ और उसे पानी से भर लो. ठीक है. नंबर 3, वेयर डिड द क्रो गो फ्रॉम द वेल. वेल पे आने के बाद क्रो कहाँ जाता है. द क्रो वेंट टू द पॉटर फ्रॉम द वेल. ठीक है, सिंस जो जब वो वेल पे आता है तो वेल उसको कहता है कि जाओ जाके पॉट लेके आओ
पॉटर के पास जाओ और पॉट लेके आओ, ठीक है? तो क्रो वहाँ से वेल से कहाँ जाता है? पॉटर के पास जाता है, ठीक है? सो आंसर इज द क्रो वेंट टू द पॉटर फ्रॉम द वेल. नेक्स्ट नंबर फोर. नंबर फोर इज व्हाई डिड द क्रो आस्क द ब्लैक स्मिथ फॉर अ सिकल. क्रो जो है ब्लैक स्मिथ के पास सिकल लेने क्यों जाता है? आंसर इज क्रो आस्क द ब्लैक स्मिथ फॉर सिकल टू डिग आउट सम क्ले फ्रॉम द टिम्बा. ठीक है, जो टिम्बा होता है यानी कि जो हीप ऑफ सॉइल है, वहाँ से जो सॉइल को निकालने के लिए, डिग आउट करने के लिए, निकालने के लिए क्रो को क्या चाहिए होती है? सिकल. तो वो सिकल लेने के लिए कहाँ जाता है? ब्लैक स्मिथ के पास जाता है. देन नंबर फाइव, व्हाट डिड द क्रो से व्हेन द क्रो वेंट टू टेक मिल्क फ्रॉम इट? व्हाट डिड द काउ से व्हेन द क्रो वेंट टू टेक मिल्क फ्रॉम इट? जब क्रो काऊ के पास जाता है मिल्क लेने के लिए, तो काऊ से क्या कहती है? क्रो वेंट टू टेक मिल्क फ्रॉम द काऊ. इट सेड, काऊ बोलती है, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत ही हंग्री हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है. गिव मी ग्रास एंड फीड मी, देन टेक माई मिल्क. मुझे ग्रास दो, मुझे ग्रास खिलाओ और फिर मिल्क लेके जाओ. ऐसा काऊ बोलती है क्रो को. देन नंबर सिक्स, Why did the crow go to the blacksmith? Crow जो है वो blacksmith के पास क्यों जाता है? Answer is the crow went to the blacksmith for a sickle. वो blacksmith के पास sickle लेने के लिए जाता है ताकि वो जो mud है, clay है, उसको dig out कर सके. Then number seven, the craftsmen are there in your which craftsmen are there in your village? कौन से craftsmen आपके village में हैं? ठीक है, सो आंसर इज कॉबलर, कारपेंटर, पॉटर, टेलर, मैसून, स्वीपर एक्सेट्रा क्राफ्ट्समैन आर देयर इन माय विलेज. मेरे विलेज में कौन से क्राफ्ट्समैन हैं? कॉबलर है, कारपेंटर है, पॉटर है, टेलर है, मैसून है, स्वीपर है. ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्राफ्ट्समैन हैं. नाउ नंबर एट, वेयर डिड द क्रो गो आफ्टर गेटिंग क्ले सॉइल फ्रॉम द क्ले पिट टिम्बा? जब क्रो को क्ले मिल जाती है, ठीक है, टिम्बा उसे क्ले दे देता है, तो वो कहाँ पे जाता है? When the crow gets clay from the timba, it went to the potter who made a pot with clay. Then crow took the pot and went to the well to get some water. ठीक है, जब क्रो को क्ले मिल जाती है तो वो किसके पास जाता है? वो पॉटर के पास जाता है ताकि वो उसको पॉट बना के दे. ठीक है, फिर जब पॉटर उसे पॉट बना के देता है तो वो पॉट लेके वेल के पास जाता है ताकि वो वहाँ से पानी ले सके. देन नंबर नाइन, विच थिंग्स डिड द पॉटर नीड? पॉटर को कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं? सो पॉटर नीडेड क्ले, वाटर एंड व्हील टू मेक द पॉट. ठीक है, पॉटर को पॉट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? क्ले चाहिए, वाटर चाहिए एंड पॉटर्स व्हील चाहिए. नेक्स्ट नंबर टेन, There are utensils made of clay soil in your house. Which are these? Okay. क्या आपके are there utensils made of clay in your house? Which are they? कि हमें पूछा है कि क्या आपके घर में कोई ऐसा utensil है जो कि clay से बना हुआ है? तो कौन से ऐसे utensils हैं जो clay से बने हुए हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है. So answer is yes. हमारे घर में ऐसे utensils हैं जो clay से बने हैं. एंड दीज आर यूटेंसिल्स लाइक पॉट. ठीक है, पॉट है वो क्ले से बना हुआ है. शैलो पैन, ठीक है, ऐसे पैन्स भी आते हैं जो क्ले से बने हुए होते हैं. देन लैम्प्स यानी कि दिया, फिर बर्ड बाथ ट्यूब एट्सेट्रा. ठीक है, हम बर्ड्स के लिए पानी रखते हैं, ठीक है, वो भी जो होता है क्ले से बना हुआ होता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे घर में क्ले से बनी हुई होती हैं. नंबर 11, इफ समवन गिव यू क्ले विल यू बी एबल टू मेक सम यूटेंसिल्स फ्रॉम हिट? ठीक है, अब नंबर 11 में हमें क्या बोला है कि अगर आपको कोई क्ले दे तो क्या आप उसमें से कोई भी यूटेंसिल्स बना सकते हो, हमें ये बताना है. ठीक है, तो अगर आप बना सकते हो तो आपको यहाँ क्या लिखना है? आपको यहाँ लिख देना है येस, कि मैं बना सकता हूँ. या फिर अगर आप नहीं बना सकते हो तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है? नो. ठीक है, अब यह आंसर जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको कोई क्ले दे तो आप उसमें से कोई यूटेंसिल्स बना सकते हो या फिर नहीं बना सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 12 में हमें पूछा है,
Have you ever seen bricks or pots being baked in a kiln? क्या आपने कभी देखा है जो पॉट्स होते हैं, ठीक है, पॉट्स पॉटर बनाते हैं, ठीक है, क्ले में से बनाता है, फिर उसको बेक किया जाता है। तो क्या आपने कभी पॉट्स को बेक होते हुए देखा है? जहाँ पे बेक होते हैं उसे कहते हैं किन। तो किन के अंदर क्या आपने कभी पॉट्स को बेक होते हुए देखा है? तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने देखा है तो आपको लिखना है येस, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिखना है नो। ठीक है, जैसे मैंने देखा है, ठीक है, तो मैं लिखूंगी येस, अगर मैंने नहीं देखा है तो मैं लिखूंगी नो। ओके, तो ये आंसर कम्प्लीटली आपके ऊपर बेस करता है कि आपने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट क्वेरी या सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय, टेक केयर।